नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के मामले में सुनवाई हो रही है। बता दें कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मामले की सुनवाई हो रही है। मामले में आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। मुस्लिम पक्ष बचे हुए 23 बिंदुओं पर पक्ष रखेगा। वीडियो लीक मामले का भी मुद्दा उठ सकता है। इसके अलावा सील बंद सर्वे रिपोर्ट वीडियो सीडी लेकर हिंदू पक्ष पहुंचेगा। वाराणसी के इस मामले में आज एक बार फिर सुनवाई होने वाली है, जहां गर्मियों की छुट्टी के बाद यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद एक बार फिर आज कोर्ट की सुनवाई शुरू हो रही है। और अब इस सुनवाई के दौरान एक जो सबसे बड़ा और चर्चित मुद्दा रहा है वाराणसी के ज्ञानवापी का, उस पर भी आज सुनवाई होगी। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुनवाई होगी। आज इस मामले में मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलील रखेगा। मुस्लिम पक्ष बचे हुए कम से कम 23 बिंदुओं पर पक्ष रखेगा। वीडियो लीक मामले का भी मुद्दा उठ सकता है कि किस तरह से वहां का वीडियो लीक हो गया, क्योंकि एक सुरक्षा के दायरे में वो पूरा वीडियो बनाया गया और उसको कोर्ट में पेश करना था, लेकिन ये लीक कैसे हुआ, इस मामले को भी आज कोर्ट में उठाया जा सकता है। इसकी जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा सील बंद सर्वे रिपोर्ट वीडियो सीडी को लेकर हिंदू पक्ष पहुंचेगा। हर पक्ष, चाहे वो हिंदू पक्ष हो मुस्लिम पक्ष हो, सब जिज्ञासा से भरा पड़ा है कि आखिर इसमें होना क्या है। तो सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार पोषणीयता पर 7 रूल 11 पर सुनवाई हो रही है। और मुस्लिम पक्ष अपने पक्ष को रख रहा है, उनके आर्गुमेंट्स अभी अधूरे हैं। वो जब अपने आर्गुमेंट्स को कम्प्लीट कर लेगा, पूरा कर लेगा, तब हिंदू पक्ष यानी हम लोग जो है अपने पक्षों को रखेंगे। इसलिए आज मुस्लिम पक्ष को ही अपने। और इस खबर पे हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता आफताब आलम जुड़ चुके हैं। आफताब, आज ग्रीष्मकालीन की छुट्टियों के बाद कोर्ट में सबसे चर्चित मामले की सुनवाई होनी है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है, अधिवक्ताओं द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है? आपको बता दें कि पूरे 35 दिन के बाद आज कोर्ट खुला हुआ है। पिछले 30 जून को जो सुनवाई हुई थी, जिसको लगभग 2 घंटा सुनवाई हुई, तारीख दे दी गई थी, आज 4 जुलाई है। आज कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों को रखेगा। कुल 52 बिंदुएं हैं, 52 में से कई बिंदुओं पर सुनवाई हो चुकी है। लगभग 26 बिंदुओं पर और सुनवाई होना बाकी है। उसको लेकर के आज मुस्लिम पक्ष 7 एक्ट 11 एक्ट के तहत अपनी बातों को रख रहा है और पूरी मुस्लिम पक्ष की बात आज सुनी जाएगी पूरी तरीके से। जब बात मुस्लिम पक्ष की सुन ली जाएगी, उसके बाद हिंदू पक्ष की बात को रखा जाएगा। वहीं क्या जी, अगर हिंदू पक्ष की बात करी जाए तो उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? जी, अभी हमारी बात एडवोकेट हुई, उन्होंने ये बताया कि अभी पहले मुस्लिम पक्ष जब तक पूरी अपनी बात नहीं रख ले सकता है, तब तक उसके बाद हम अपनी बातों को रखेंगे। जब तक पूरी तरह से उनकी बात सुन ली जाती है, पूरी उनकी बात को हो जाएगी, तब उसके बाद हम अपनी बातों को रखेंगे। जी आफताब, मुस्लिम पक्ष द्वारा उस चीज को जो कि एक रहस्य बनी हुई थी, तस्वीरों में देखा जा रहा था, उसे वो फव्वारा बता रहे थे और कहा जा रहा था कि इस मामले में कुछ भी नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से वो कई मुद्दे उठा सकता है, तो उन मुद्दों में कौन कौन सी अहम चीजें देखने को मिल सकती है, मुस्लिम पक्ष द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है? जहाँ वादी मुकदमा द्वारा वाद दाखिल किया गया था, उसमें कहा गया था साफ तौर पर कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग मिल गया है, लेकिन वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से बताया गया कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। उसी को लेकर के बात हो रही है, उसी को लेकर के सारी उन्होंने ये 1996 एक्ट के तहत वो लेकर के कहा गया कि जो कानून बनाया गया था 1996 के रूल के हिसाब से, उसमें जो है कि मस्जिद और मंदिर सब यथास्थिति कायम रहेगी। उसी को लेकर के आज पूरी सुनवाई हो रही है। उसमें क्या ये मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, जब तक ये पूरा प्रकरण अदालत में हो रहा है, जब तक इसकी पूरी सुनवाई की बात करें तो कितने बजे सुनवाई देखने को मिलेगी? ये 2 बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद कितनी देर तक चलता है ये। जी, अगर परिसर के पास की बात करें, ज्ञानवापी की बात करी जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है, क्या कुछ बदलाव रहा है इस सुनवाई के दौरान? जी, इसको लेकर के सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की बात करें तो काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मीडिया पर्सन को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और कहीं किसी तरह की चूक ना हो, किसी तरीके का माहौल ना बिगड़ पाए, इसको लेकर के काफी सतर्कता बरती जा रही है।
क्या ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है जिले में? जी जी, ड्रोन के माध्यम से और काफी पुलिस बल, अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां भी यहां पर खड़ी है, काफी पुलिस बल भी बुलाए गए हैं, तैनात है पूरी तरीके से, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। जी, अगर बात करी जाए ज्ञान व्यापी की, तो ज्ञान व्यापी के पास किन चीजों पर रोक लगाई गई है? फिलहाल ज्ञान व्यापी के पास अभी किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है, वो पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आफताब आलम जुड़े थे वाराणसी से। प्रतापगढ़ में नगर पंचायत कुंड कस्बा क्षेत्र में शख्स ने आरोप लगाया है कि उसके जमीन के कागजातों में हेरफेर किया गया है। दरअसल पीड़ित के पिता पढ़े लिखे न होने की वजह से गड़बड़ हो गई और जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई थी, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके बाद पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को मामले की तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। न्याय के लिए जाते हैं, हमें न्याय चाहिए, जो है जो हमारे कागज में है, जितना इनका बैनामा है इनको दिया जाए, जो हमारी भूमि बच रही है वो हमें मिलने चाहिए सरकार की तरफ से। जो हमें देर निबंध है, हम हर जगह जा चुके, हर जगह इतना संकट से झेल रहे हैं कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है, पुलिस आती है हम ही को पकड़ के ले जाती है, हम ही को बैठाती है, 24 घंटा हमारी सुनती नहीं। अब काम पे काम चल रहा है, रातों दिन चल रहा है, काम रुक नहीं रहा है, रोकने के लिए हम जाते हैं प्रशासन के पास, प्रशासन जो है सुन नहीं रहा है हम लोग की। हमारी समस्या यही है कि हमारे पिताजी 75 में बैनामा किए थे ज़मीन का, 762 763 764 में 2.5 बिस्वा बेचे थे एक जन को 2 बिस्वा 11 धूर बेचे थे, एक जन को 1 बिस्वा 10 धूर बेचे थे, एक जन को 2 बिस्वा 9 धूर बेचे थे, 4 बैनामा किए थे, चारों बैनामेदार बना करके अपने अपने स्थान पे रोड की तरफ रह रहे थे। रोड के पीछे जो मेरी जमीन बची थी उसको जबरदस्ती। बिजनौर में सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी के चलते बिजनौर शहर के एक निजी बैंकेट हॉल में युवा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को खत्म करने की मांग इस पंचायत में रखी जाएगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से जुटे हुए हैं। सोनभद्र में थाना अनपरा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 25 ग्राम हेरोइन बरामद करते हुए एनडीपीएस एक्ट तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर श्रावस्ती जिले से है, जहां पर बौद्ध परिपथ से सटा तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण कर प्लॉटिंग कार्य के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री केडी सिंह ने एसडीएम आरपी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कार्रवाई की मांग की गई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ये हिंदू वाहिनी के एक शिकायती प्रयास थोड़े तालाब की पैमाइश करके कि नाकित किया गया, उसके अंदर जो भी अवैध निर्माण थे उसको ध्वस्त किया गया है और इसका संज्ञान खंड किया जाएगा। और ये शासन माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेशानुसार वर्तमान हटाने का कार्रवाई की जा रही है, उसी के तत्वाधान में जो भी अवैध कब्जे हैं। खबर कानपुर से है, जहां नवाबगंज के एक बीए सेकेंड ईयर के छात्र की किडनैपिंग के बाद हत्या की कर दी गई है, जिसका शव रनिया इलाके में हाईवे के किनारे पड़ा मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक छात्र शुक्रवार की रात को दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकला था, जिसके बाद देर रात तक घर वापस न आने पर परिवार ने पुलिस थाने में तहरीर दी, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल पुलिस ने शव के मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये प्रकरण थाना नवाबगंज से संबंधित है। ये दिनांक 1 जुलाई की ये बात है। तकरीबन 4:30 के आसपास जो है गोविंद वर्मा नाम का एक लड़के, तब उम्र तकरीबन 25-26 वर्ष है,
ये घर से बाहर निकले हुए थे और उसके बाद ये वापस नहीं आए। तो इसी संदर्भ में घर वालों ने फिर गुमशुदगी दर्ज कराई हुई थी और उसके बाद जो है जब प्रकरण संज्ञान में आने के बाद फिर मुकदमा इस पर दर्ज किया गया है। और उसी मुकदमे में जब जांच की जा रही थी तो उसी दौरान जो है ये सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो है कानपुर देहात में प्राप्त हुई है। तो परिजनों के द्वारा पहचान कराया गया तो ये डेड बॉडी जो इसी मुकदमे से संबंधित थी, इसके आधार पर विधि कार्रवाई की जा रही है। उस पर जाँच चल रही थी, जो भी जहाँ भी गए हुए थे हर जगह सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए जा रहे थे और उसी क्रम में ये सारी जानकारी प्राप्त हुई है। नहीं, अभी तक तो किसी तरह का कोई आरोप किसी पर नहीं लगाए गए हैं थे और हम कुछ इसमें साक्ष्य भी अभी प्राप्त हुए हैं। जैसे ही हाँ बिल्कुल, जैसे ही जो है हमारी जांच आगे बढ़ेगी। गोंडा में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। कोतवाली इटिया थोक के पास चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने घर के अंदर घुसकर दरवाजे का ताला तोड़ दिया और 15,000 नगद के साथ करीब 2.5 लाख का जेवरात साफ कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस वालों ने घटना स्थल पर भीड़ देखते हुए लोगों को फटकार लगाई। साथ ही मौके पर कवरेज करने के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों से भी पुलिस ने अभद्रता की। रात में चोरी हो गई है तो मुझे इसकी सूचना जब प्राप्त हुई, मैं अपने घर पर था, मुझे करीब करीब सूचना 6:30 और सुबह 7 बजे के आसपास। बगल में एक जो है बड़ी भाभी रहती हैं, इन्हीं के खानदान की, इन्हीं का एक घर पुराना घर मेरे उस घर के पास में है। तो भाभी निकली बाहर, हम मंजन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया कुलदीप के घर में चोरी हो गई है। तो हमने सोचा कि अरे आतंक रह गया कि कभी चोरी मेरे गाँव में कम से कम 20 साल पहले चोरी हुई थी, उसके बाद से चोरी बिल्कुल बंद हो गई थी। आज ये नए फिर से चोरी हुई है। जब इनके घर पे मौके पे आए तो देखे ताला वाला सब टूटा हुआ था, बक्से सब पड़े इधर उधर पड़े हुए थे। फिर हमने इस नंबर को फ़ोन किया, उसके बाद मैंने इटिया थोंगेस्सो को भी फ़ोन किया। अभी तक पुलिस आई थी, लगभग इनके घर में पीड़ित परिवार के बताने के अनुसार लगभग 2.5 लाख रुपये की चोरी इनके घर में नकदी और जेवरात और सब मिला करके हुई है। ठीक है, तहरीर थाने पर देने जा रहे हैं, पुलिस मायना करके चलेगी। किसी पर शक नहीं जा रहा है, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा। माफी चाहते हैं, 112 को सूचना। बलरामपुर जिले के ललिया थाना क्षेत्र के घुमन हवा गांव में एक युवक की हत्या और 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर देने के मामले सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 12 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से कत्ल का चाकू भी बरामद कर दिया है। पांच लोगों ने हमला किया, चाकू से वार किए, इसमें वो घायल हो गए और उनको बचाने में 3 अन्य लोग भी घायल हुए। उन लोगों को लेकर लोग जिला अस्पताल आए, जहां दिलबहार की मृत्यु हो गई। अन्य सभी का इलाज अभी चल रहा है। क्या अभी पुराना आपराधिक इतिहास छांटा जा रहा है। इसे 5ों लोगों अभियुक्तों को पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर गिरफ्तार किया है। उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त चाकू है वो भी बरामद किया है। सर, हत्या का तो मेन कारण क्या है? हत्या का जो मुख्य कारण है वो प्रधानी की रंजिश वर्चस्व की लड़ाई है गाँव में, इस कारण हत्या। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक सुमित वर्मा ने गोसाईगंज थाना क्षेत्र में चौकी द्वारिकागंज क्षेत्र के कटका कस्बे में पैदल गश्त कर कानून एवं शांति व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों से बातचीत कर आपस में प्रेम सौहार्द बनाए रखने की अपील की। हरदोई के जिला कारागार में कैदी की गला रेतकर हत्या की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी कैदी को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक कैदी की पहचान काइमऊ के सलमान के रूप में हुई है। मृतक कैदी दहेज और हत्या के मामले में 2020 से जेल में बंद था। वो कैदी जो है हमने जब देखा, उसका नाम सलमान था, नौशाद उसके पिता का नाम था। उसको देखा तो उसकी गर्दन पूरी कटी हुई थी, आँखें अंदर तक काफ़ी अंदरूनी चोट थी, सारी मेजर वेसल्स उसकी फटी हुई थी। है
है जहां जिला कारागार में कैदी की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। जब पुलिसकर्मी उसे अस्पताल लेकर गए तो वहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। एक तरह से कारागार की व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। गर्दन कटने से मौत बताई जा रही है। आखिर कैसे औजार हाथ में आया इन कैदियों के और कैसे हत्या कर दी गई, इसके पीछे की क्या वजह है, पूरी तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है कि जिला कारागार के अधिकारी इससे अनजान थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में पहली बार लगातार किसी को दूसरी बार सत्ता मिली है। बीजेपी की जीत हमारी नीतियों की वजह से हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूपी 2017 से पहले जातिवाद, परिवारवाद, अराजकता के लिए जाना जाता था। केंद्र की योजनाओं को तत्कालीन राज्य सरकार ने लागू नहीं किया। हमने 2017 के बाद कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम किया है। बेहतर कानून व्यवस्था से निवेश बढ़ा और बढ़ते निवेश की वजह से रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। तो योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी दी कि 100 दिन में किस तरह से काम हुआ है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री की योजनाओं को किस तरह से प्रदेश में लागू किया जा रहा है और किन किन योजनाओं पे आने वाले समय में काम किया जाएगा। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी एक हफ्ते में उसका शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में भी सीएम ने जानकारी दी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सीएम ने अपने 100 दिन की उपलब्धियों के साथ साथ 5 साल की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। सबसे अहम बात कौन सी देखने को मिली है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, क्या मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने 100 दिनों का जो लिखा जोखा था दूसरे कार्यकाल का, वो देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने 100 दिनों का जो लेखा जोखा था दूसरे कार्यकाल का, वो बताया है कि उन्होंने और उनकी जो टीम है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की, उसने किस तरह से उत्तर प्रदेश में ये जो 100 दिन बीते हैं दूसरे कार्यकाल के, इसमें कैसे काम किया है। सबसे अहम चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि ऐसा मैं पहला मुख्यमंत्री हूँ जिसने 37 साल का कोई मिथक तोड़ा है और मैं दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लगातार बना हूँ। बीजेपी को जनता ने जिताया है क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो संकल्प हैं, उन संकल्पों पे कहीं ना कहीं जनता ने पूरा भरोसा जताया था और उसी भरोसे के साथ हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। पहले 2022 का विधानसभा चुनाव हमने जीता, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो भरोसा था ये और बढ़ता गया और उसी का नतीजा था ये कि जो विधान परिषद के चुनाव हुए, उस विधान परिषद के चुनाव में भी हमने जीत दर्ज की। इसके अलावा जो दो प्रमुख सीटों पर लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के दोनों ही सांसद जीते हुए थे 2019 में, लेकिन उन दोनों सीटों पर भी हमने जीत दर्ज की। तो जो जनता का भरोसा था, उस भरोसे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें जो हमारी टीम है और आदरणीय प्रधानमंत्री के संकल्पों के साथ जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार उनका जो आशीर्वाद है, जो साथ है, वो हमें मिल रहा है, ये उसी से कहीं ना कहीं सिद्ध हो पाया है, पूरा हो पा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले 5 साल का कार्यकाल जो था उसके बारे में जिक्र करते हुए ये बताया कि जब हमने दूसरे टर्म की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई है तो उसमें कहीं ना कहीं हमने पहले ही ये जिक्र और चर्चा विचार विमर्श कर लिया था कि आने वाले 100 दिनों में हमें क्या करना है और इसके साथ ही 100 दिनों के साथ साथ 6 महीना, 1 साल, 2 साल और 5 साल में कैसे इस काम को बढ़ाना है, उसकी भी रूपरेखा जो थी वो तैयार कर ली गई थी। अगर कामों का जिक्र किया जाए शिखा, तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बात को बताया गया है कि करीब मुफ्त राशन की जो योजना थी उसको करीब 15 करोड़ लाभार्थियों को हम पहुंचा रहे हैं और इस 100 दिन में इसमें और बेहतर तरीके से काम किया गया है। सरकार ने किसानों का जो गन्ना मूल भुगतान था उसको भी काफ़ी हद तक जो भुगतान है वो किसानों को किया है। गन्ना मूल का 1,74,000 करोड़ का गन्ना जो भुगतान है वो किसानों को सरकार की तरफ से किया गया है।
तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से कहीं ना कहीं ये साफ साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक विकास है और उत्तर प्रदेश में जो निवेश है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, और उसी की वजह से करीब 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में आया है, जिसकी नींव रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए थे। युवाओं को रोजगार देने के लिए भी सरकार ने काफ़ी अहम कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को कहा गया है कि हमने संकल्प लिया था कि हम 10,000 युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, और अकेले गृह विभाग की तरफ से ही 10,000 लोगों को पुलिस में नौकरियां दी गई हैं, पुलिस विभाग में, जिसमें दरोगा की भर्तियां हैं और कुछ आश्रित अभ्यर्थियों को भी पुलिस विभाग में भर्ती किया गया है अकेले गृह विभाग में। और इसके अलावा एक साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस तरह के लगभग जितने भी विभाग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, इन सब ने संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में रोजगार को और कैसे बढ़ाया जाए, सरकारी नौकरियों से युवाओं को जोड़ा जाए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ युवाओं को कैसे जो लोन है उस लोन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें। जी नितिन, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम की बात करते हुए कहा कि उनके सपने पूरे करे जा रहे हैं, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री का सपना था कि हवाई चप्पल से सफर चलने वाला इंसान भी हवाई जहाज से सफर करेगा और जो उसका किराया होगा वो भी सस्ता होगा, उसके लिए भी काम किया जा रहा है, कई MOU साइन किए गए हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हाँ देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट्स की संख्या है उनकी भी बढ़ोतरी हुई है बीते 5 साल में भी, और लगातार अब उनको और बढ़ाया जा रहा है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि 5 नए हवाई अड्डों के संचालन को लेकर के जो AMU हैं वो साइन किए गए हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो पर्यटक है उसको काफ़ी लाभ पहुँचेगा, जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर वो आसानी से आ सकेगा। इसके अलावा जो निवेश की स्थिति उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही है तो जो निवेशक है वो उत्तर प्रदेश में आसानी से आ सकता है। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल है, चाहे अयोध्या की बात कर लें, हम कुशीनगर की बात कर लें, इन धार्मिक स्थलों पर, बनारस की बात कर लें, यहाँ पर आसानी से उसके जो फ्लाइट्स हैं वो लैंड कर जाएंगी और वो आसानी से इन जगहों का भ्रमण कर सकता है, इन जगहों का लुत्फ उठा सकता है। और इसके साथ ये तो एक बात वो हो गई कि किस तरह से कोई व्यक्ति पर्यटक जो है वो उत्तर प्रदेश में आकर के अलग अलग स्थानों का वो भ्रमण कर सकता है, वो दर्शन कर सकता है। लेकिन अगर निवेश की स्थिति से देखा जाए तो निवेश की स्थिति से भी कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से एयरपोर्ट की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ी है तो जो निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाह रहे हैं, या अभी हमने देखा और हम सब ने देखा कि जिस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का तीसरा पार्ट हुआ था उसमें 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा की जो परियोजनाएं थी उनका शिलान्यास हुआ है, तो उसमें जुड़े हुए जितने भी जो निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश में कैसे आ सकते हैं, उनके लिए कैसे आसानी की जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं एयरपोर्ट्स की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी बात कही है, उन्होंने कहा कि पहले आप सबको पता था कि बीती सरकारों में कैसे उत्तर प्रदेश में कानून के नाम पर खिलवाड़ होता था, लेकिन जब से हम सरकार में आए हैं तब से हमारा मूल उद्देश्य रहा है कि कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए, और उसी की वजह से उत्तर प्रदेश में जो निवेशक है वो अपना जो मोह है वो दिखा रहा है। इसके अलावा उन्होंने महिला सुरक्षाओं की बात की कि महिला सुरक्षा या फिर महिला अपराध से जुड़े हुए जो भी आरोपी हैं उनको पास्को एक्ट के जरिए सरकार की तरफ से ही उनकी पैरवी की गई, और उन्होंने जल्द से जल्द जिस तरह से उनको जो भी उनकी जो सज़ा हो सकती है वो सज़ा दिलाने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की गई है। अतिक्रमण हटाने का सबसे अहम मुद्दा जो था उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले इसको लेकर के जो रोड सेफ्टी मेजर्स हैं उसकी भी बैठक की थी, उसमें भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये चेताया था कि जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, जो अवैध पार्किंग्स हैं उन्हें हटाया जाए, और उसकी भी संख्या अगर बताई जाए तो एक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो सरकार की तरफ से बताया गया है कि करीब 68,784 अतिक्रमण स्थलों को सरकार की तरफ से हटाया गया है, और इसके अलावा ये भी बताया गया कि करीब 76,196 अवैध पार्किंग स्थलों को भी मुक्त कराया गया है सरकार की तरफ से। तो ये जो लगातार सरकार की तरफ से बेहतर कानून व्यवस्था या फिर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को करने की जो कोशिश है उस पर लगातार सरकार काम कर रही थी, 100 दिनों में उन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर जो अपनी जो योजनाएं थी उन योजनाओं को धरातल पर उतारने की और नई जो स्कीम्स थी उन स्कीम्स के जरिए जनता को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। और कानून व्यवस्था में एक मुद्दा और बहुत अहम रहा है, क्योंकि लगातार हम बुलडोज़र की कार्रवाई और
जो अपराधियों के ऊपर कार्रवाई है सरकार की, उसकी सराहना करते आए हैं, उसकी चर्चा करते आए हैं। शिखा, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी बताया गया है कि करीब 844 करोड़ की जो अवैध संपत्तियां हैं वो माफियाओं से अब तक वसूली गई हैं इस 100 दिन में, और जो इसका जो पूरा आंकड़ा है वो और करीब 3000 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति जो है पिछले 5 साल से अब तक जो है वो सरकार की तरफ से वसूली गई है जो माफियाँ हैं उनसे। जी, अतिक्रमण का ब्यौरा भी दिया है, साथ ही साथ जिस तरह से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं उसका भी ब्यौरा दिया आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही अगर बात करें राज्य की, तो राज्य के विकास का पता चलता है वहां की सड़कों से, वहां के एक्सप्रेसवे से। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात भी करिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने कहा एक हफ्ते के अंदर इसकी शुरुआत करी जाएगी, उद्घाटन किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का भी काम तेजी से चल रहा है, और कौन कौन से एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी दी है जिनपे काम होने वाला है 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल में। देखिए, 2022 का जो चुनाव रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मील का पत्थर जो साबित हुआ वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रहा, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जिस तरह से पूर्वांचल के कई सारे जो ज़िले हैं उनको जोड़ने की कोशिश सरकार की तरफ से रही थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ज़रिए, उसका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो लाभ था वो सरकार को मिला है, और उसका पूरा का पूरा जो फ़ायदा है वो बीते चुनाव में सरकार को 2022 में मिला था, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी अच्छे से जनता के सामने पेश किया था और उसके फ़ायदे भी गिनाए थे। अब अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, या फिर कई और एक्सप्रेसवेज की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे है उनको और उनकी संख्या जो है वो और बढ़ाई जाएगी, नेशनल हाईवेज़ हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा, स्टेट हाईवेज़ हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। तो ये जो कवायद है सरकार की ये कहीं ना कहीं लगातार देखने को भी मिल रही है, क्योंकि अवनीश अवस्थी जो इस विभाग की जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी जाकर निरीक्षण किया गया था, और अब जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसके भी वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ। तो सरकार ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे जो जिम्मेदार अधिकारी है उसे इसकी देखरेख के लिए लगाया गया है, क्योंकि वो यूपीडा की जिम्मेदारी भी संभालते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। और अवनीश अवस्थी लगातार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दौरे कर रहे हैं, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ, और ये प्रयास है सरकार का कि जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे का जो तोहफा है वो भी जनता को दिया जाए। आज सुबह से ही कई लोक नृत्य देखने को मिले, 100 दिन पूरे हुए हैं योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का, शतक पूरा किया है, काफी उत्साहित दिखी है बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया 100 दिन में किस तरह से काम किया, लेकिन अभी भी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड आना बाकी है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना काम बताएंगे, रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, क्योंकि जब 100 दिन का टारगेट दिया गया था तो सभी मंत्री जमीनी स्तर पर उतर के काम कर रहे थे नितिन, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है मंत्रियों के जमीनी स्तर पर काम करने से? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही सभी मंत्रियों को हिदायत दी थी कि जब सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की थी और कैबिनेट के पहले ही कहीं ना कहीं अधिकारियों को, माफ कीजिएगा, मंत्रियों को और मंत्रियों के साथ विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को ये हिदायत दी गई थी कि वो अपने 100 दिन का जो भी रोड मैप है वो प्रस्तुत करें, और उसी की जो बैठक थी वो लगातार मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों की थी, उसी के जो बेस पर जिस तरह से विभागों ने काम किया है, मंत्रियों ने काम किया है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि हमारी कोशिश यही रही कि जनता के बीच जाए मंत्री, और उसी के तहत मंत्रियों ने करीब एक एक दिन या फिर कुछ कुछ घंटे जो हैं अलग अलग ज़िलों में अलग अलग गांवों में बिताए हैं, जनता के बीच रहे, उनकी समस्याओं को सुना है, उनकी क्या दिक्कतें, उन दिक्कतों को जानने की कोशिश की है। इसके पहले अगर हम बताएं, कुछ दिनों पहले अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सभी को यह हिदायत दी थी कि जब सरकार के 100 दिन पूरे होंगे तो उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सरकार के कामों को बताएंगे कि किस तरह से सरकार ने 100 दिनों में काम किया है और आने वाले दिनों में किस तरह से सरकार काम करेगी। 6 महीनों का जब ब्यौरा जब पेश किया जाएगा तो उस दौरान क्या क्या उपलब्धियाँ सरकार के पास होनी चाहिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो
अलग अलग विभागों के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो विभागों के मंत्री हैं, वो भी अपना जो लेखा जोखा है वो जनता के बीच पेश करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ब्यौरा है वो पेश किया गया है, और अब जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा करके लगभग सभी विभागों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच जा करके अपना जो विवरण है, विभाग का विवरण है, विभाग की उपलब्धियां हैं वो बताने की कोशिश की जाएंगी, और ये बताया जाएगा कि किसने कितना काम किया, किस विभाग ने कितना काम किया, आने वाले दिनों में किस तरह से काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि जब हम सरकार में आए तो जो हमारे संकल्प थे उन संकल्पों में से करीब 97 संकल्पों पर हमने काम कर लिया है, और 97 संकल्पों को हमने बेहतर तरीके से पूरा कर लिया है। बाकी के जो संकल्प हैं उन संकल्पों पर भी हम लगातार लगे हुए हैं, और आने वाले दिनों में जब हम फिर से अपने सरकार का विवरण देंगे, बताएंगे कि हमने 6 महीने में कितना काम किया, तो उस दौरान लगभग इन सारे संकल्पों को पूरा कर लिया जाएगा, और नई ऊर्जा के साथ, नई जो चुनौतियों के साथ हम जनता के बीच एक बार फिर से नए संकल्पों के साथ काम करेंगे। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में तो इतिहास रच दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, दूसरी बार सरकार बना ली है, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं संगठन की नीतियों और प्रधानमंत्री को दिया है। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र पे भी बात करी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने वहां की सरकार को, सीएम को और उप मुख्यमंत्री को दोनों को बधाई दी है, नीतियों को ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया है गठबंधन की जो सरकार बनी महाराष्ट्र में बीजेपी की, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को, और विपक्ष की जब सरकारें उत्तर प्रदेश में रहती थी इसके पहले पूर्व की, चाहे समाजवादी पार्टी की हो या बसपा की हो, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों ही सरकारों की नीतियों के बारे में बताया कि पहले की जो सरकारें थी वो उत्तर प्रदेश में किस मानसिकता के साथ काम करती थी। उनका बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं था जनता के लिए काम करने का, वो सिर्फ अपने लिए सोचती थी, परिवार के लिए सोचती थी। हम जब से आए हैं हमने जनता के हित में सोचा, जनता को सिलेंडर पहुँचाया, उनको घर दिया, उनको मुख्यमंत्री योजनाओं से जोड़ा, प्रधानमंत्री की योजनाओं से जोड़ा, और जनता को लाभ पहुँचाने की कोशिश की। महाराष्ट्र के मुद्दे पर जो सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर जो महाराष्ट्र की नई सरकार है उस सरकार को बधाई दी है, संगठन को बधाई दी है, और ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक सवाल और बनता था कि जिस तरह से जो उदयपुर की घटनाएं हुई हैं, और उसके अलावा जो हैदराबाद में कुछ दिनों पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ था, तो मुख्यमंत्री हैदराबाद भी गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि हैदराबाद जिस तरह से ओवैसी का गढ़ है, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुँच करके ये बता दिया है कि अब बहुत जल्द वहाँ पर भी भगवा लहरा सकता है। और उदयपुर की घटनाएँ, राजस्थान की घटनाएँ, ये भी साफ साबित बताती हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सारी घटनाओं को लेकर के भी सजग है। क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी तो उस दौरान जो प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री हैं, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह थे, ब्रजेश पाठक थे, वो सब आए हुए थे, और उनसे जब हम लोगों की मुलाकात हुई तो उनसे जब इन विषयों पर चर्चा हुई तो उन लोगों ने भी साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया है कि अगर वहाँ पर योगी जी की सरकार होती तो कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाइयाँ में ढीला ढवाली नहीं होती, अब तक बेहतर तरीके से कार्रवाई हो जाती और इस तरह की घटनाओं को वहाँ पर कोई अंजाम देता नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का क्या हाल है ये सब जानते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हैदराबाद गए थे, उन्होंने महाराष्ट्र में संगठन और सरकार को बधाई दी है, उसके अलावा राजस्थान उदयपुर की घटनाओं को लेकर के भी उनका बयान आया, तो इससे साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी अपनी जो छवि है उसको मजबूत करते जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये छवि और भी पुख्ता और भी मजबूत होती जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे लखनऊ से। तो योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए, यानी कि योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में अपना शतक पूरा कर लिया है। बीजेपी काफी उत्साहित दिखी, प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।